पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा मस्जिद में, आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। नहीं करते, यही रहने। पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा मस्जिद में, आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हा? ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है खुली फिजाओं में? जाओ अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े, इस तरह इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे? आओ मार डालो। हा? क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे।